नमस्ते बच्चों, फिर से बोरीवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का वही चैप्टर अनुवांशिकता और परिवर्तन लेकर मैं फिर से आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका सविता गौण आपके सामने हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अनुवांशिकता और परिवर्तन पे ही। जो लास्ट टाइम मैंने चैप्टर लिया था उसी का लास्ट पार्ट आज हम करेंगे। ठीक है, अनुवांशिक विकृति। अनुवांशिकता और परिवर्तन में हमने अनुवांशिकता का सिद्धांत सीखा है। अनुवांशिकता यानी वंशागति कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है, लक्षणों का प्रकटीकरण क्या है, किसके कारण होता है, तो गुणसूत्र, गुणसूत्र के प्रकार, डीएनए, जनुक, आरएनए, उसके बाद मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत, मेंडल की एक सकर संतान, एक संतति का प्रयोग और मेंडल की द्विसकर संतति का प्रयोग, ये सब हम सीख चुके हैं। आज हम आते हैं कि अनुवांशिकता के कारण कौन से रोग होते हैं, ये भी आपने लास्ट लेक्चर में किया रहेगा, तो आज हम उसके आगे का करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, अनुवांशिक विकृति को। सबसे पहले अनुवांशिक विकृति होती क्या है। गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण या जनुकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को अनुवांशिक विकृति कहते हैं। यह आपने लास्ट लेक्चर में मैडम ने आपको लिया होगा कि अनुवांशिक यानी गुणसूत्र, या तो गुणसूत्र में खराबी हो। ठीक है, हमारा मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, यानी 46 की अगर मैं जोड़ी बनाऊं तो 23 जोड़ी हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इन 23 जोड़ियों में 22 जोड़ी समलिंगी होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र की होती है। महिलाओं में वो 44 प्लस XX होती है यानी 44 गुणसूत्र और प्लस XX यानी 1X 45 1X 46। उसी तरह पुरुषों में 44 प्लस XY, पुरुषों में ये लिंग गुणसूत्र जो है वो अलग होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक विकृति में गुणसूत्रों का अधिक संख्या में होना या कम होना, गुणसूत्रों के किसी भाग का लोप अथवा स्थानांतरण जैसी स्थिति का समावेश होता है। हमारा टॉपिक है अनुवांशिक विकृति। अनुवांशिक विकृति, हमको अनुवांशिकता ही गुणसूत्र से मिलती है। गुणसूत्र के अंदर क्या है, जीन। इन्हीं सब के कारण जीन क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि भाई बच्चे का ये सब हेयर कलर, आईज कलर, हाई, तो अगर उसी में खराबी आ जाती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। अनुवांशिक विकृति में गुणसूत्रों का अधिक संख्या में ना, मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र है तो वो 46 ही होने चाहिए। इसलिए मैंने जब आपको पहला लेक्चर, इसके पहले का पार्ट पढ़ाया था, 15वां चैप्टर सजीवों की जीवन प्रक्रिया है, तो मैंने कहा था कि मनुष्य का शरीर भगवान की एक ऐसी देन है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर एट ए टाइम बहुत से काम करता है, इसमें जरा भी गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, और गड़बड़ी अगर हो गई तो हमें लाइफ टाइम उसका भुगतान करना पड़ता है। तो सोचिए, हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र होने ही चाहिए। अगर कम हो गए तो भी तो प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गए तो भी तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा समझो, गुणसूत्र तो बराबर है लेकिन उसका कोई पार्ट, ये आप 10th में पढ़ोगे कि क्रॉसिंग ओवर अगर बराबर नहीं हो पाई, क्योंकि हमें आधे गुणसूत्र माँ से और आधे पिता से मिलते हैं, तो वो जब वो स्थानांतरण बच्चे में होता है तो उसके किसी भाग का लोप हो जाए यानी उसमें कुछ कमी रह जाए बनने में, गुणसूत्र की जोड़ी में, तब हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण सांख ओट, आपने देखा होगा कि कई कई बच्चों के, किसी किसी के ओट जो है ऊपर के लिप कटे हुए रहते हैं। ठीक है, रंजकहीनता, जैसे शारीरिक व्यंग, सिकल सेल, रक्तालापता, इसके अलावा और भी है, तकरीबन 4 लाख डिजीजेज हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ को ही लिस्ट आउट किया है। ठीक है, जो जो हमारे चैप्टर में है मैंने उन्हीं को लिया, जैसे रंजकहीनता हम मुझे पढ़ाना है, सिकल सेल, रक्तालापता, हीमोफीलिया जैसे शरीर क्रियाओं के दोष, ये सारे रोग हमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुवांशिक विकृति। आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, अनुवांशिक विकृति को ही।
अनुवांशिक विकृति तीन तरह की, सॉरी तीन चार तरह की हमारे सिलेबस में दी हुई है। गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियां, जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम कहा था कि हमारे बॉडी का स्मॉल यूनिट क्या है, कोशिका, मतलब हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्या है, जीन, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा गुणसूत्र ही खराब है तो कौन सी विकृतियां होती है, ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके तीन तरह की विकृतियां आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई गई होंगी। तो चार विकृतियों में पहला है गुणसूत्रों का, अगर पूरा का पूरा गुणसूत्र ही खराब है, ठीक है, तो कौन से रोग होंगे, तो वो तीन आपने पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हम वाले हैं सेकेंड वाले से, एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग या एक जनुकीय विकार। मान लो आपका गुणसूत्र का एक जीन खराब है, मतलब कुछ ओवरलैपिंग वगैरह होने में, मतलब मैंने कहा ना आधे पिता से आते हैं आधे माता से आते हैं, तो ओवरलैपिंग होने में, मतलब उनकी जोड़ी बनने में अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई, यानी गुणसूत्र का एक जीन खराब है, तब कौन से रोग होते हैं, वो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा तंतुकड़ी की विकार बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा आपको डिटेल में नहीं दिया है, क्योंकि इतना आपको पहला और दूसरा वही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तीसरा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है वो हम लेंगे। और बहुजन की उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार, यानी बहुगट की विकार, पर्यावरण का, फिर लेबर पेन का क्या असर पड़ता है, वो सब। आगे बढ़ते हैं हम, एक जनु की उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग, ठीक है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, जो लेक्चर दिया गया है मुझे, कि जब एक जीन खराब हो तब उससे कौन सा रोग होता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि एक जनु की उत्परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। किसी एक सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होते हैं उन्हें एक जनुकीय विकार कहते हैं। अब तक लगभग 4000 से भी अधिक मानवीय विकारों की जानकारी हो चुकी है, ठीक है, हमको सब नहीं पढ़ना है 4000 रोग, मैंने कहा ना जो जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ेंगे। सदोष जनुको, यानी जो जो जीन माता या पिता से आ रहा है जिसमें दोष है, तो सदोष जनुको के कारण शरीर में उन जनुको द्वारा बनने वाले उत्पादित नहीं बनते अथवा अल्प मात्रा में बनते हैं। उपापचय की इस प्रकार के जन्मजात विकार कम उम्र में जानलेवा साबित हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना ये जीन में ही खराबी है, तो ये कहाँ है, हमको हमारे पेरेंट से ही मिल रहा है, तो जब जीन में ही खराबी है तो उससे जो बच्चा होगा, अब ये एक जनुकी है, पूरा का पूरा गुणसूत्र नहीं खराब है, गुणसूत्र का एक पार्ट खराब है, यानी उसको ओवरलैपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गई शरीर से, जिसके कारण जो बच्चा है वो बाधित है, ठीक है। तो उसके शरीर में जो भी रोगों का, ये कहा है कम उम्र में, इनकी उम्र कम होती है, जो भी बोलते ना प्रोडक्ट बनने चाहिए हमारे शरीर में पूरी तरह से बन नहीं पाते। आपने देखा लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र की जोड़ी में एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाता है। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा भी बॉडी काम करेगा तो भी नुकसानदेह है। फिर आपने क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स माता से आता ही नहीं है, यानी एक कम हो गया तो भी तकलीफ है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि लड़कों में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है तो भी तकलीफ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि गुणसूत्र के एक पार्ट में खराबी आई है, तो उससे क्या है आपको प्रॉब्लम, मतलब कि क्या होगी कि आपका जो शरीर है उसमें जो कोई पदार्थ बनना चाहिए वो पूरी तरह से बन नहीं पाएगा, जिससे हमें तकलीफ होगी, ठीक है। जैसे हीमोफीलिया, रंजकहीनता, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि, ओके। अब इसको हम उदाहरण से आगे समझते हैं, रंजकहीनता, ठीक है। तो एक जनु की उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग में पहला रोग हमें पढ़ना है रंजकहीनता। इसके नाम में ये रंजक, रंजक मतलब कलर, हीनता, हीनता यानी नहीं है, यानी कलर नहीं है। जाहिर सी बात है अनुवांशिक का परिवर्तन है, हम मनुष्य शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मनुष्य शरीर का कलर, आपने सबको अपने घरों में भी सबके कलर सेम नहीं होते, कोई काला होता है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, ठीक है। अपने आप जब क्लास, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, जब आप क्लासरूम में जाते हो तो कोई बहुत गोरा रहता है, कोई थोड़ा गोरा रहता है, कोई सांवला रहता है। तो हमारे शरीर का ये जो डिफरेंट कलर है, ये हमको कुछ ना कुछ तत्व है हमारे अंदर उससे मिलता है। तो अब समझो रंजक हीनता, साइंस में टर्म्स का मतलब समझोगे तो
तो साइंस बहुत इजी है. रंजक यानी कलर, हीनता यानी नहीं है. यानी अब इस टॉपिक के हेडिंग को ही देख के आपको समझना है कि शरीर में जो कलर देने वाला पदार्थ है वो नहीं होगा या कम होगा. ठीक है. रंजकहीनता यह एक जनुकीय विकार है. जनुकीय विकार मैंने कहा ना, पेरेंट से आता है, पेरेंट से या उनके पेरेंट से. ऐसे आपने मेंडल की एक शकर दी शकर पढ़ा है कि कभी कभी पेरेंट से बच्चों में वो नहीं दिखता है, वो कैरियर रहते हैं. ठीक है, वो आगे की जनरेशन में दिखता है. तो रंजकहीनता जो है जनुकीय विकार है. इस विकार में शरीर मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता. ठीक है, मेलेनिन ही वो एक द्रव्य है, पदार्थ है, जिससे हमारे शरीर को कलर मिलता है. अगर वही हमारा शरीर तैयार नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर को जो प्रॉपर कलर चाहिए वो नहीं मिलता है. आंखें, त्वचा और बालों को मेलेनिन नामक भूरे रंग के रंजक के कारण रंग प्राप्त होता है. रंगहीन व्यक्ति की त्वचा निस्तेज होती है और बाल सफेद होते हैं. आपने देखा होगा सड़कों पे या अपने स्कूल में आस पड़ोस में कि कुछ लोग पूरे व्हाइट होते हैं. मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी इसके, पूरे व्हाइट होते हैं. ठीक है, मतलब नॉर्मल लोगों से वो अलग दिखते हैं. इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि उनके शरीर में मेलेनिन नामक तत्व नहीं पाया जाता या बहुत कम मात्रा में बनता है. ठीक है, कुछ कुछ का होता है कि बाद में उनको सफेद सफेद दाग होता है और फुल व्हाइट हो जाते हैं, यानी तब वो पदार्थ रहता है. लेकिन धीरे धीरे कुछ जनुकीय विकारों की वजह से जब वो प्रभावी लक्षण आने लगता है तो वो खत्म हो जाता है. आंखें सामान्य तौर पर गुलाबी होती हैं क्योंकि आंख की पुतली और दृष्टि पटल में रंजक द्रव्य नहीं होता. ठीक है, यानी आंखों का कलर, बालों का कलर, भौहों का कलर, ये त्वचा का कलर, क्योंकि वो मेलिन नामक का द्रव्य बनता ही नहीं है, कम मात्रा में बनता है, इसके लिए शरीर जो है वो पूरा व्हाइट व्हाइट रहता है. ठीक है, आगे देखिए, उसका पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये आपके टेक्स्टबुक में भी दिया है. रंजकहीनता बाधित व्यक्ति की लाल और सॉरी बच्चे की आंखें और बाल फुल व्हाइट व्हाइट ग्रेइश कलर के रहते हैं. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो जनुकीय विकार से पीड़ित है, उनमें मेलेनिन नामक तत्व नहीं बनता है. तो फर्स्ट आई फिनिश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दात्र कोशिका रक्तालापता, इन शॉर्ट इसको सिकल सेल एनीमिया अगर याद रखोगे तो बहुत आसान है. एनीमिया, हमारे बीएमसी स्कूल में लड़कियों को गोलियां दी जाती है दैट हीमोग्लोबिन का, खून बढ़ाने का, लौह आयन का. ठीक है, क्योंकि अगर उसकी कमी हो गई, क्योंकि लड़कियों को लौह पदार्थ की आवश्यकता ज्यादा रहती है. ठीक है, क्योंकि उनमें पीरियड में काफी ब्लड निकलता है, तो लड़कियों में औरतों को हीमोग्लोबिन की आवश्यकता ज्यादा होती है. इवन जो मजदूर वगैरह है उनको भी हीमोग्लोबिन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है. तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल यानी हसिया, एनीमिया रोग का नाम है. ठीक है, इसको आगे देखते. दात्र कोशिका रक्ताल आपका शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है. ये क्या होता है? प्रथिन, डीएनए आदि अणुओं की रचना के किसी भी एकदम छोटे बदलाव. मैंने कहा ना कि ये क्या है, एक जनुकीय विकार यानी जीन यानी गुणसूत्र के किसी एक भाग में खराबी है. ठीक है, प्रथिन, डीएनए आदि अणुओं की रचना के किसी भी एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप यह रोग या विकार होता है. अब ये होता कैसे है? या तो प्रोटीन में खराबी है या तो डीएनए में खराबी, मतलब जीन में, क्योंकि हमारे बॉडी का काम के केंद्रक में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया. सेल में कोशिका में क्या हो रहा है? प्रोटीन संश्लेषण, जिससे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है. तो ये खराबी कहाँ होती है वो आपको यहाँ पे आगे दिया है. हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल. अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, लेता है. हम खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये रक्त अवशोषित करता है, उसे ऊर्जा मुक्त करता है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अणु के, अब इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हीमोग्लोबिन का छठा अमीनो अम्ल आप गूगल करने जाओगे सब ओपन होगा, गूगल पे सब कुछ है लेकिन कुछ समझेगा नहीं. तो आपको क्या पढ़ना है कि हीमोग्लोबिन अणु की रचना का, जब हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बनता है तो उसका जो छठा अमीनो अम्ल है, उसका जो सिक्स अमीनो एसिड है, वो ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है जिसमें सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम है या जिसकी जीन में प्रॉब्लम हो गई है, कि वो ग्लूटामिक अम्ल के बदले, ठीक है, अमीनो अम्ल, उस अमीनो अम्ल, उस ग्लूटामिक अम्ल के बदले क्या लेता है? वेलिन अम्ल. ठीक है, एक कुछ ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके दिखाती हूँ, वेलिन अम्ल. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल जो है वो ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए. जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहता है तो उसमें छठा जो अमीनो अम्ल है वो ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए.
लेकिन वो ग्लूटामिक अम्ल न लेके, मैंने कहा ना मैसेंजर लेके आता है, न लेके अगर वैलिन अम्ल ले ले तो हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में हो गया, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जैसे मुझे, मैं किसी का वेट कर रही हूँ, उसके बदले कोई दूसरे मेहमान घर पे आ गए तो तकलीफ होती है ना, कि भी मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी मेरी फ्रेंड का, और आ गया मेरे फ्रेंड का, और फ्रेंड का भाई, उसकी खातिरदारी मुझे करनी पड़ेगी, एंड एवरीथिंग आई हैव टू गिव टू देम, यानी उसको मुझे जगह तो देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और मेरा और मेरा, मेरा मेरी जो फ्रेंड है वो आई ही नहीं, तो तकलीफ हो जाती है कि नहीं। तो उसी तरह से हीमोग्लोबिन जब बनता है तो उसका जो सिक्स अमीनो एसिड रहता है, छठा अमीनो अम्ल जो है वो ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए, यानी ग्लूटामिक अम्ल का वेट कर रहा है, लेकिन वो ग्लूटामिक अम्ल ना आके क्या आ गया उसकी जगह, वैलिन अम्ल। तो अब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की जो रचना एक्चुअली होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, कुछ दूसरी बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी कारण अब चूंकि अब हीमोग्लोबिन का तो रचना चेंज हो गया, ठीक है, अब जैसे मैंने मेरे घर में सोचा था कि मैं मिकी माउस का टाइल्स लगवाऊंगी और लग गया डोरेमोन का टाइल्स, तो मेरे घर का तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी को ये पसंद है, मिनी पसंद है, और लग गया डोरेमोन, उसको वो नहीं पसंद है, तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो इसी कारण लाल रक्त कणिकाओं का उभयोत्तल सामान्य आकार बदल कर वे हसीये के आकार की हो जाती है, मैंने कहा ना टिकल यानी हसिया, याद रखो। तो जो गोल होना चाहिए हमारी लाल रक्त कणिका आरबीसी, ठीक है, ये आपने 8th में पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होना चाहिए, फिर आपने उपयुक्त उपरोक्त सबके आकार होते हैं, तो जो उभयोत्तल सामान्य आकार होता है वो हसीये का आकार का हो जाता है, और इसी स्थिति को हम कहते हैं दात्र कोशिका रक्तालापता, क्योंकि जब वो हसीये का आकार का हो जाएगा तो वो ब्लड को पास होने के लिए जगह नहीं देगा। ठीक है, और इस रोग से बाधित व्यक्ति को क्या होता है कि ऑक्सीजन का संवहन करने में कठिनाई आती है, और हमारे पूरे बॉडी में अगर ऑक्सीजन, हर कोशिका तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हम बहुत थकान महसूस करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस स्थिति में कई बार लाल रक्त कणिकाओं की गुठली बन जाती है, मैंने कहा ना वो हसीये के आकार की बन जाएंगी, तो उनकी गुठली जमने लगती है और वे नष्ट हो जाती है, परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियों में रुकावट पैदा हो जाती है, और परिसंचरण संस्थान, परिसंचरण संस्थान यानी हार्ट, इट्स अ कॉज ऑफ लाइक अ हार्ट अटैक, परिसंचरण संस्थान, मस्तिष्क, फेफड़े, वृक्क यानी किडनी आदि को क्षति पहुंचाती है। इस रोग से बाधित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखो। ठीक है, इस रोग से बाधित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन कि सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन की क्या वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, तो दैट इज ऑक्सीजन, यानी हमारा जो हीमोग्लोबिन रक्त है उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से मिश्रित नहीं हो पाता है, जो हर एक सेल तक जाना चाहिए। देखो, हमारी कोशिका है जीवित कोशिका है, और जो सजीव है उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है ऊपर का जो फर्स्ट डायग्राम है, दिस वन, ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो है आरबीसी है, यानी लाल रक्त कणिका है जो द्वि उत्तली ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी वाहिनियों में, वाहिनी का अपर कट बताया है कि वाहिनियों में आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब जब सिकल सेल अनिमिया या दात्र कोशिका रक्तालापता से कोई बाधित है, तो ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल, ये क्या बन जाता है, हसीये के आकार का, और हसीये के आकार का बन के क्या होता है, ये ना रास्ता वाहिनियों का ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब जब ब्लॉक कर देगा तो रक्त पास आउट नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो रक्त ऐसे इजिली प्रवाहित हो रहा है ना, इस नलिका से, तो यहाँ से रक्त को ये यहाँ पे जम जाता है, क्योंकि गुठली बन गई है। अब गुठली हमारे मुंह में अटक जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, निकल नहीं सकते, उसको तो निकालना ही पड़ता है बॉडी से। तो ये जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कहीं पे भी हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, फेफड़े में नहीं होता है, इस गुठली को फिर ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है। ठीक है, तो दिस ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, तो हमको रक्त का पास आउट नहीं होगा और रक्त में हीमोग्लोबिन मिश्रित नहीं हो पाएगा। तो जब हीमोग्लोबिन मिश्रित नहीं हो पाएगा तो हमें थकान महसूस होती है, हम जल्दी थक जाते हैं। ओके, यह रोग अनुवांशिक है,
ठीक है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आता है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण यह रोग होता है, जब भ्रूण, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में फॉर्म होता है, निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण यह रोग होता है। मैंने कहा ना कि आधे माँ से और आधे पिता से जो जीन आते हैं, आपने मेंडल की एक शकर दूसरी शकर पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हुआ रहेगा कि आधे यहाँ से गुणसूत्र आते हैं, आधे पिता से आते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो उसी समय जो जनुकीय बदलाव होता है तो ये रोग होता है। माता या पिता दोनों सिकल सेल पीड़ित अथवा वाहक हो तो उनके बच्चों को यह रोग हो सकता है। इस कारण समाज के सिकल सेल पीड़ित अथवा सिकल सेल वाहक, सिकल सेल पीड़ित यानी जिसको ये रोग है, सिकल सेल वाहक यानी उसको वो जीन है लेकिन वो उससे पीड़ित नहीं है। जैसे मैंने कहा मेंडल में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एक फर्स्ट जनुकीय पीढ़ी में कि लाल और श्वेत फूल जब उन्होंने हाइब्रिड कराया था तो सारे के सारे लाल फूल आए थे, श्वेत नहीं आए थे, क्योंकि वो जो लाल था वो प्रभावी लक्षण था, है ना। उसके बाद जब उसका F1 जनरेशन का क्रॉसिंग ओवर कराया गया था तो वो श्वेत फूल दिखाई दिए थे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो जीन था। तो उसी तरह सिकल सेल वाहक यानी उनके अंदर उस जीन में प्रॉब्लम है लेकिन वो अप्रभावी लक्षण है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इनका आपस में विवाह टालना बेहतर होता है। आपके स्वाध्याय में भी क्वेश्चन है कि वाहक और पीड़ित का आपस में विवाह टालना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इनसे जो आगे मैं पढ़ाऊंगी, इनसे जो बच्चे आएंगे उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सिकल सेल बीमारी के दो प्रकार हैं। पहला है सिकल सेल वाहक व्यक्ति, उसको दिखाया गया है AS यानी कैरियर। अब देखो नॉर्मल व्यक्ति रहेगा ना तो उसका हम क्या दिखाएंगे, AA यानी AA, हियर दिस शुड बी AA, ठीक है। ये क्या होगा अगर नॉर्मल है तो AA, ठीक है। लेकिन अब ये वाहक है तो व्हाट हैपन इन दिस, वन मिनट, हाँ, कि इसका ये एक ए बदल के क्या बन गया है, एस, यानी ठीक है चलो एक ही बदला है ना, जैसे गुणसूत्र जीन क्या होते हैं जोड़ियों में, तो गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं बराबर, तो एक तो नॉर्मल है, एक में ही प्रॉब्लम है ना। तो यानी ये प्रभावी होगा कि अप्रभावी वो आगे चल के पता चलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ दूसरा है सिकल सेल ग्रस्त या पीड़ित व्यक्ति, डबल एस, दैट मीन्स ये एक तो एस चेंज ही है, ये वाला भी बदल के क्या हो गया, एस हो गया, यानी ये तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बंदा है, यानी ये सफरर है, अंडरस्टूड। अब इसको आगे देखते हैं। तो सिकल सेल वाहक व्यक्ति AS को हम AS से दिखाते हैं जिसको हम कैरियर कहते हैं, और सिकल सेल ग्रस्त या पीड़ित व्यक्ति, इसका डबल एस के इसका पूरा जीन ही खराब है, सफरर, उसको हम बोलते हैं सफरर। इनकी पहचान और लक्षण क्या है, हाथ पैर में सूजन आना, जोड़ों में दर्द, असहनीय वेदना, सर्दी व खांसी का बार बार होना, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, जल्दी थकान होना, चेहरा निस्तेज होना, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, दिस वन इज द मेन वन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आपकी किताब में सिकल सेल रोग इस प्रकार होता है, जैसे मैंने कहा ना कि कैसे होगा, क्वेश्चन था कि पीड़ित और वाहक का विवाह आपस में टालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है सिकल सेल रोग किस प्रकार होता है, संकेत चिन्ह है AA सामान्य, ठीक है। यहाँ देखो AA यानी सामान्य, नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हृष्ट पुष्ट है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। AS यानी चालक, यानी उसके देखो एक ही बदला है, यहाँ AA है तो यहाँ पे एक ए तो है, यानी वो वाहक है, ठीक है, यानी उसका वो गुण उभर के नहीं आया, उसमें वो जीन है लेकिन वो उभरा नहीं। ये है पीड़ित, AA यानी ये डेफिनेटली ये तो प्रॉब्लमेटिक ही है, ये पीड़ित बंदा है, ठीक है। अब चार्ट देखते हैं हम आगे का। पहला है पुरुष अगर नॉर्मल है और स्त्री नॉर्मल है तो सिकल सेल और संतान का जन्म कैसा होता है, माता और पिता दोनों सामान्य हो तो संतान निरोगी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चा भी निरोगी होगा। आपको एक यहाँ मैं लास्ट में भी दिखा देती हूँ, सिर्फ एक मिनट, सॉरी, हाँ लास्ट का छठा नंबर देखो, AA, अगर पुरुष में भी प्रॉब्लम है स्त्री में भी प्रॉब्लम है, दोनों है। ये पहला और लास्ट मैंने इसलिए लिया कि देखो दोनों नॉर्मल है तो बच्चा नॉर्मल होगा, दोनों ही पीड़ित है
तो ऑब्वियसली माता पिता दोनों पीड़ित हो तो संतान भी पीड़ित होगी, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट याद रखना बहुत इजी है, इतना बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, इसलिए जैसा इजीली याद रख पाओ वैसे मैं बता रही हूँ। अगर दोनों नॉर्मल है तो बच्चा नॉर्मल, दोनों ही पीड़ित है तो बच्चा भी पीड़ित। अब अपन अपने नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे, अगर पुरुष नॉर्मल है या वाहक है, समझो अगर ये नॉर्मल है और स्त्री वाहक है, ठीक है, इसी को फिर इसने उल्टा करके लिया है कि अगर ये वाहक है और ये नॉर्मल है, यानी दो पेरेंट्स में से एक नॉर्मल है और एक वाहक है, तो क्या होगा? तो माता या पिता में से एक सामान्य और एक वाहक हो तो संतान के सामान्य वाहक होने की संभावना आधी आधी हो जाती है, यानी जो उनका बच्चा होगा वो या तो नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर जीन रहेंगे लेकिन वो उभर के नहीं आएंगे, वो अप्रभावी लक्षण रहेगी, यानी वो भले उसके होने उसका बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका जो होगा वो प्रभावी, वो नॉर्मल भी हो सकता है और सिकल सेल वाहक भी हो सकता है, ठीक है, वाहक होगा, पीड़ित नहीं होगा, यानी उसके अंदर वो जीन होंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे, अब ये नॉर्मल हो और ये पीड़ित हो, ठीक है, या तो ये पीड़ित हो ये नॉर्मल हो, तो माता या पिता में से एक सामान्य और एक पीड़ित हो, पीड़ित यानी उसको ये प्रॉब्लम है ही, इन दोनों अगर शादी करते हैं तो संतान क्या होती है, डेफिनेटली वाहक होगी, यानी उसके अंदर वो जीन जाएंगे ही जाएंगे, जबकि ऊपर के केस में क्या था, या तो जीन जा भी सकते हैं या तो वो नहीं भी जा सकते, बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, दैट 50-50% चांसेस इज देयर। यहाँ पे डेफिनेटली है कि संतान वाहक होगी, मतलब वो लक्षण उभर के नहीं आएंगे लेकिन उस बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी। फोर्थ है AS, यानी वाहक, अगर दोनों ही वाहक है तो क्या होगा, माता पिता दोनों वाहक हो तो संतान के सामान्य होने की 25%, यानी 25% बच्चा नॉर्मल हो सकता है, पीड़ित होने की 25%, यानी भैया 25% प्रॉब्लम में भी आ सकता है, 50% वाहक होगा, दोनों वाहक है तो 50% जो चांसेस है कि बच्चे में भी वाहकता का ही गुणधर्म जाएगा, ठीक है, 25% भाई वो नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि इसका ए और इसका ए अगर आ गया तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि ए तो सामान्य के लिए, लेकिन इसका एस और इसका एस आ गया, दोनों ही एस आ गए तो पीड़ित हो जाएंगे, आपको मेंडल के एक चक्कर दो चक्कर से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, AS या SS, यानी अगर ये एक वाहक है और एक पीड़ित है तब क्या होगा, माता या पिता में से एक वाहक और एक पीड़ित हो तो संतान के वाहक होने की 50% और पीड़ित होने की 50% आशंका होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, उपाय, इसका उपाय क्या है, मैंने कहा चूंकि ये जनुकीय विकार है तो नॉर्मली तो इसका उपाय होता ही नहीं, इसको हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, जैसे एड्स का इलाज अभी तक निकला नहीं है, वी जस्ट हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि ये ना हो, ठीक है, जैसे पोलियो, पोलियो होने से पहले ही उसकी खुराक खिलाई जाती है कि भाई ये हो ना, क्योंकि एक बार पोलियो हो गया तो वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया का उपाय क्या है, सॉरी, यह बीमारी प्रजनन द्वारा ही प्रसरित होती है, इसलिए शादी के पूर्व या बाद वधु और वर दोनों के रक्त की जांच करवानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पहले ही रक्त की जांच करा लो, अगर प्रॉब्लम है तो शादी कैंसिल, ठीक है। आगे, सिकल सेल वाहक या पीड़ित व्यक्ति को दूसरे वाहक या पीड़ित व्यक्ति से विवाह टालना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने वो चार्ट पढ़ा कि अगर वाहक और पीड़ित दूसरे वाहक और पीड़ित सिकल सेल एनीमिया से जो पीड़ित है उससे विवाह करते हैं तो बच्चे को खतरा होता है, ठीक है, भले वाहक जो है वो नॉर्मल इंसान से शादी करे, पीड़ित जो है वो नॉर्मल से करे तो थोड़ा चांसेस कम रहता है। थर्ड है, सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड की एक गोली खानी चाहिए, ठीक है। हम अपने थर्ड नंबर के अनुवांशिक विकृति पे आते हैं, तंतुकड़ी की विकार, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा आता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है तीसरा और चौथे का, ठीक है। तंतुकड़ी की यानी तंतुकड़ी का नहीं होगा ये, सिंपल तंतुकड़ी की विकार यानी तंतुकड़िका करो, तंतुकड़िका से डीएनए, तंतुकड़िका के अंदर क्या है, डीएनए, तंतुकड़िका के डीएनए अणु के जनुक भी उस परिवर्तन के कारण सदोष हो सकते हैं, यानी डीएनए के, मैंने कहा ना डीएनए के इसमें जीन में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक जनुकीय विकार के टाइप्स पढ़ रहे हैं,
सॉरी एक जनु की विकार के दो टाइप हो, हाँ एक जनु की विकार तो खत्म, अब हम आते तंतु कणिका पे। तो तंतु कणिका के अंदर जो डीएनए फॉर्म है उसके जनुक में भी अगर कुछ परिवर्तन हुआ, अगर कुछ ओवरलैपिंग में गड़बड़ी हुई तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो तंतु कणिका के डीएनए अणु के जनुक भी उत्परिवर्तन के कारण सदोष हो सकते हैं। भ्रूण के विकास के समय केवल अंड कोशिका से तंतु कणिकाएं आती है, यानी से माता से ही। अंड कोशिका किसमें होती है? माता में, पुरुष में नहीं होती अंड कोशिका, ठीक है। जो ओवरी होती है वो माता नहीं होती है, तो वहीं से आती है। इसलिए इस प्रकार के विकार केवल माता द्वारा ही संतान को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि तंतु कणिका विकार कौन सा विकार है जो केवल माता द्वारा ही संतति में जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए तंतु कणिकी विकार, ठीक है। लेबर का अनुवांशिक तंत्रिका विकार तंतु कणिकी विकार का उदाहरण है। इसमें क्या होगा? लेबर का अनुवांशिक तंत्रिका विकार, तंत्रिका कोशिका हमारे बॉडी में है जो मैसेज पास आउट करती है, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दैट वी कॉल तंतु कणिकीय विकार, ठीक है। यहाँ पे हमारा तंतु कणिकीय विकार खत्म। लास्ट हमारा है बहुजनुक के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार बहुघटकीय विकार, ठीक है। इसमें क्या है वो देख लेते हैं। बहुजनुक के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार कभी कभार एक से अधिक जनकों में, मतलब जैसे डीएनए का एक पार्ट खराब है या कई पार्ट खराब है, ठीक है। डीएनए का एक जीन खराब है या कई पार्ट खराब है, उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये विकार आ जाते हैं। ऐसे अधिकांश विकारों में गर्भावस्था में आसपास के पर्यावरणीय घटकों के परिणाम स्वरूप विकारों की तीव्रता बढ़ती है। एक तो ये जनुकीय विकार है, साथ साथ में इस पर पर्यावरण का भी असर पड़ता है। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले विकार इस प्रकार है, जैसे फाकोट, मैंने फाकोट यानी जो ओट कटे हुए रहते हैं, कुछ कुछ लोगों के आपने देखा होगा ओट कटे रहते हैं, जो हमारे नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे इन्होंने ग्रहण में कुछ काटा होता रहेगा, तो दैट इज नथिंग। वो ग्रहण वगैरह में काटने चाकू छुरी चलाने से नहीं होता है, दैट बिकॉज जनुकीय विकार, ठीक है। कि एक से ज्यादा डीएनए के जीन में प्रॉब्लम है तो फाकोट हो जाता है। फाक तालू, किसी किसी का पैर कटा हुआ रहता है, कटा हुआ नॉट दैट वो कट चाकू वाला, ठीक है, वो कटा हुआ है जिसको ऑपरेशन से थोड़ा सा ठीक किया जाता है। आमाशय का संकुचन, रीढ़ की हड्डी का दोष, दैट कुबड़ राइट, कुबड़ होती है ना वैसा। इसी प्रकार मधुमेह, मधुमेह यानी डायबिटीज, रक्तचाप, रक्तचाप दैट इज ब्लड प्रेशर, हृदय विकार, अस्थमा जैसे विकार भी बहुजनकीय है, ठीक है। तो मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब मोस्टली अनुवांशिकता तो होते ही है, साथ साथ में इसमें पर्यावरण का भी असर पड़ता है। मतलब आप किस पर्यावरण में रहते हो, कैसे खान पान रखते हो, कैसे अपने आप को रखते हो, इसका भी बहुत असर पड़ता है। जैसे हमने कहा ना परिवरिश, एक बच्चे को अगर आप अच्छी परिवरिश दोगे तो वो अच्छा बनेगा, उसे अगर जंगल में जानवरों के साथ रखोगे तो उसके अंदर वो जानवरों के गुण आएंगे। तो आस पास का पर्यावरण कैसा है इसमें भी हमारी ग्रोथ, हम सामाजिक विकास करते हैं, ठीक है। पर्यावरण, जीवन शैली तथा कई दोषपूर्ण जनुक, इनके संयुक्त जटिल परिणामों के कारण यह विकार होता है। तो इसके नाम में ही है बहुजनकी उत्परिवर्तन, ठीक है। इट इज बहुजनक उत्परिवर्तन, यानी बहुत सारे जीन में जब परिवर्तन हो गया तब कौन कौन से विकार होंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ को लिस्ट आउट किया है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर किसी का आवाज नहीं आ रहा है मुझे।
ठीक है सर। तो ठीक है बच्चों, आज का अनुवांशिकता और परिवर्तन यह चैप्टर यहाँ पे फिनिश भी होता है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर देती हूँ, मतलब पूरे चैप्टर का ही मैं रिकैप कर रहा हूँ। अनुवांशिकता क्या है, वंशागति, वंशागति के बाद अनुवांशिकता के लक्षण, उसका प्रकटीकरण, गुणसूत्र, फिर हमने गुणसूत्र के चार प्रकार पढ़े, डीएनए, डीएनए की रचना, डीएनए का मॉडल, जनुक, आरएनए, आरएनए के बाद मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत, फिर मेंडल की एक सकल संतति का प्रयोग दैट इज जनक पीढ़ी P1 और प्रथम संतानी पीढ़ी F1, देन मेंडल की द्वि सकल संतान वो खत्म करने के बाद हम आए कि अनुवांशिक विकृति किसे कहते हैं। अनुवांशिक विकृति में चार टाइप्स हैं, गुणसूत्रों की अपसामान्यता, एक जनुकीय, तंतुकणिकीय और बहुजनिकीय। एक जनुकीय सॉरी गुणसूत्रों की अपसामान्यता में तीन टाइप्स हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देन एक जनुकीय में दो टाइप है, रंजकहीनता और दात्र कोशिका। देन तंतुकणिका केवल माता से बच्चों में आती है, बहुजनिकी में पर्यावरण का पूरा सहयोग रहता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आज का लेक्चर, आज के लेक्चर के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।